हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज मैं करने जा रही हूँ अपनी छोटी भाभी से बात। बहुत टाइम से हुई नहीं है मेरी बात उनसे, तो बस सोचे चलो आज वीडियो कॉल करते हैं उनको और उनसे बात करते हैं कि वो इस टाइम पे क्या कर रही हैं। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं रात के 8:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि उनके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन मैं उनके घर पर फ़ोन लगा रही हूँ, मतलब उनकी चाची के पास। तो वो जो है बात करा देंगे, उन्हीं के यहाँ पे ही रहती हैं वो। तो चलो आप फोन लगाते हैं, आप देखते हैं कौन उठाता है। क्योंकि ये मेरा नया नंबर जाएगा और हमेशा जब बात होती थी तो वो मम्मी के नंबर से ही होती। अस्सलाम वालेकुम। और क्या हो सर? बस बढ़िया। आ भाई क्या कर रहे हो? आवाज क्या कर रहे हो? हाँ हुरैन तो सो रही है। हुरैन की सबसे पहले पूछते हैं बच्चे। और क्या हो रहा है मानी? अच्छा, आज मैंने सोचा मैं डायरेक्ट वीडियो कॉल करती हूँ, देखते नए नंबर से उठाता कौन है। ब्लर ब्लर आ रहा है एकदम, साफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो नेटवर्क इशू हो रहा है मुमानी के फोन से, तो वो अभी मामू के फोन से लगा रही है, तब जाके बात होगी सही। क्योंकि वाकई एकदम ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था, साफ नहीं दिखाई दे रहा, आवाज भी बहुत ज्यादा कट रही थी। तो अब वो दूसरे नंबर से लगाएंगे, तब बात करेंगे। आज मैंने उनको सरप्राइज कर दिया अपने नंबर से फोन लगा के। मुझे ऐसा लगा था शॉक में तो हो गई होंगी मैं थोड़ा सा, कि नए नंबर से एकदम से वीडियो कॉल आना ना अजीब लगता है। मैं भी नहीं उठाती एकदम से किसी का फोन। कौन सी सिम है आपकी? सिम कौन सी है? हाँ तो जियो में तो इश्यू है, फिर एयरटेल सही चलता है अभी। हाँ मम्मी ठीक, सब ठीक है। मैंने कि आज मैं अपने नंबर से लगाती हूँ। हाँ वही तो, न्यू ईयर पे भी बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हो रहा है भाई? सर्दी तो है। हाँ वही तो, सर्दी तो है आज। और तुमने तुमने तो हमें याद ही नहीं किया, हमने कहा चलो हम ही याद कर ले, हमें तो याद ही नहीं करती है। क्योंकि दोपहर में लेट खाओ तो फिर शाम को भी लेट हो जाते हैं। तो ऊपर शिफ्ट हो गए क्या? ऊपर शिफ्ट हो गए तुम लोग? अच्छा तो जी ऊपर का ही है। अच्छा तो नीचे किचन है, अब नीचे किचन है या फिर ऊपर ही हो गई है किचन भी? अच्छा ये हॉल था और ये अंदर रूम है। हाँ ये हॉल है। अच्छा हाँ अच्छा लग रहा है यार मेरा पूरा। तो खून मिला। तो गाइस भाभी से बात हो चुकी है और बस अभी वो बहुत ज़्यादा शर्माती है बात करने में, लगती है थोड़ा सा, मतलब ऐसे बात करो तो। लेकिन खैर कोई नहीं, चलो धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगेगा बात करके। वैसे वो ज़्यादा बात करती नहीं किसी से भी, तो इसलिए उनको थोड़ा सा झिझक लगती है बस, और कोई बात नहीं है। तो बस अभी बात हो गई है, हुरैन भी उठ गई है। हुरैन उठते के साथ सिर्फ रोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने हुरैन के बारे में पूछा कि हुरैन क्या कर रही है। तो बस उसका यही रहता है कि इतने टाइम पे वो जो है सोती है, कभी कभी जल्दी भी उठ जाती है, ऐसा नहीं है डेली का नहीं है उसका, जल्दी भी उठ जाती है, मतलब ऐसे 5-6 बजे सो जाती है तो 1 घंटे में उठ जाती है, तो ऐसा है। तो बस अभी फ़िलहाल यही है, अच्छा लगा बात करके।
सो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ पर हुरैन के मैंने दो चोटी कर दी, वो भी बड़ी मुश्किल से करवाई है इसने, क्योंकि ये करवा नहीं रही थी, इसको मोबाइल में लगाया फिर। और इसके मुंह पे ना मेरे दो चोटियाँ बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। पहले जब हुरैन के बड़े बाल थे ना, तो उस टाइम पे मैं करती थी, लेकिन अभी क्या है ना, छोटे से हैं तो अच्छे से चोटी हो नहीं पाती है, ये देख ही सकते हैं आप लोग। हैट 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 लॉइन लॉइन मंकी 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 कैसे करता है? मंकी ऐसे करता है मंकी। अच्छा हाँ, लायन। तो चोटी करने के बाद अब यहाँ पर अपने अलमेरा को भी सेट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये देख सकते हैं मेरे कपड़ों का वाला जो एरिया है ना, वो मेरा सबसे ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो बस इसको अच्छे से फोल्ड करके फिर से सेट कर देते हैं। तो वन बाई वन सारे कपड़े निकाल देते हैं। मेरे जो नाइट सूट्स हैं वो अलग रखेंगे, मेरे जो वूलन लेगिंग और कुर्ती है वो अलग रखेंगे, और जो मेरी रेगुलर पहनने वाली जो कुर्तियाँ हैं वो मैं अलग रखूँगी। तो तीन पार्टीशन में मैं ऐसे रखूँगी इनको, क्योंकि ना सारे ही मिक्स हो रखे हैं। और जब हम तय करके लगाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा बिथुल जाते हैं कपड़े, और उसके बाद जो है इधर उधर रख जाते हैं, क्योंकि जगह नहीं बचती है। तो इसलिए तो अभी मैं इसको अच्छे से सेट करके रख दूँगी, कि एक कपड़ा निकालो फिर दूसरा भी साथ में ही निकल आता है। तो ये जादू की तरह मैंने अपने ये जो है सारे कपड़े यहाँ पर सेट कर दिए। ये मेरी वुलन कुर्तियाँ, और ये मेरे नाइट सूट्स, मैक्सी, और साथ में मेरे जो रेगुलर कुर्तियाँ हैं, लेगिंग हैं, वो मैंने अलग रख रखी हैं। और इनका भी जो कपड़ों का सेक्शन था वो भी मैंने ठीक कर दिया है। तो आप लोगों से बात करते करते मेरी अलमीरा भी सेट हो गई। तो गाइस मैं आ गई छत पर इतनी रात को। जी हाँ, कहीं पे भी लाइट नहीं है, पूरे में अंधेरा हो रखा है। तो बस अभी मैं ऊपर आ गई थोड़ा सा टहलने के लिए। ये देखो मेरे मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया है, इतनी ज़्यादा सर्दी है ना, कोहरा स्टार्ट होने लग गया है। बस मैं भी थोड़ा सा देर टहलूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी। कभी कभी ना अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। सही बात है, हम लेडीज़ अपने बच्चों में, अपने हस्बैंड में, अपनी फैमिली में इतने ज़्यादा गुम हो जाते हैं कि हमें चीज़ों का पता ही नहीं चलता है। अपने लिए भी कभी कभी वक्त निकालना चाहिए। और जैसे तैसे करके मैं अभी ऊपर आ गई हूँ, और उनको नीचे छोड़ के आई हूँ, उसको बताकर भी नहीं आई हूँ, चुपके से आई हूँ ताकि वो मुझे आने दी। वरना क्या है ना, बच्चे साथ में चिपकते हैं, और उसको मैं अभी इस टाइम पर ला नहीं सकती थी, क्योंकि लाइट भी नहीं है और वो लाइट के बिना रहेगी नहीं। और सेकंड जो है सर्दी भी बहुत ज़्यादा है ऊपर, तो इसलिए नहीं ला सकती थी मैं उसको। ऐसा है, चलिए गाइस मुझे दिख नहीं रहा है, मैं फ्लैश जलाकर आप लोगों से बातें कर पा रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है ना, इसलिए लाइट नहीं जल पा रही। आई थिंक इधर तो लाइट होगी ना। हाँ इधर तो लाइट है। ये देखो मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, लाइट है लेकिन फिर भी जो है जला नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था इधर सबके घरों में लाइट नहीं है, तो शायद इधर भी नहीं होगी, लेकिन ये जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड है, सो ये वाली लाइट ऑन हो चुकी है। चलिए मुझे फटाफट जल्दी जल्दी अपनी स्टेप्स पूरी कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। ठीक, मैंने आज कपड़े भी बहुत सारे धोकर डाले थे शाम के टाइम में ही, दोपहर से ही डाले थे, मतलब 3 बजे से फिर जो है सर्दी स्टार्ट हो गई थी, तो इस चक्कर में वो सूख नहीं पाए, तो अभी मैंने रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिए। सुबह अगर धूप आएगी तो सूख जाएंगे, वरना कल भी ऐसे ही डले रहेंगे, क्योंकि कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, कपड़े सूख नहीं पा रहे अच्छे से, तो ये चीज़ हो रही है। थी यहाँ पर गैस चेक करने के लिए कि रेगुलेटर इसका बंद है या नहीं, तो बस अभी रेगुलेटर बंद कर दिया है, गैस भी चेक कर लिए, क्योंकि रात में सोने से पहले ये सारी चीज़ें चेक करके सोना चाहिए। गैस जब से मैंने यहाँ पर ये गैस रखी है ना, मेरे हस्बैंड मेरा मजाक बनाने में लगे हुए हैं कि नए घर पे अब जो है तुम तो नीचे ही बैठ के जो है खाना बनाती हो, तो अब तो हस्बैंड का कहना यह है कि तुम्हें जब नीचे ही बैठ कर बनाना है तो 1-1.5 लाख रुपये क्यों वेस्ट करवा रही हो मेरे, नीचे ही बैठकर आराम से बना लिया करना, एक प्लेटफॉर्म छोटा सा दे दूंगा नीचे वाला जो होता है वो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा मत बोलो। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पैर ठीक हो जाए, और
वही है ना कि हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस चक्कर में जो है ना बीमारियां वगैरह उमड़ने लग जाती हैं। तो अब मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अभी बीच में क्या बच्चों की वजह से कभी मकान जब रेडी हो रहा था तो उसकी वजह से मतलब अपने ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे बिल्कुल भी, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन अभी मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह धीरे धीरे करके मेरा पैर भी ठीक हो जाएगा, और फिर मैं जब अपने नए घर में जाऊंगी तो एकदम स्वस्थ होकर जाऊंगी। अभी तो फिलहाल यहाँ पे देखो ये है कि मम्मी हैं, भाभी हैं, भाभी तो खैर अभी मायके गई हुई हैं अपने, तो वही है ना कि सर्दी वगैरह है तो इस चक्कर में वो चली गई हैं, थोड़ा सा उनको भी रेस्ट मिल जाएगा। अभी हमारा जो हारून है वो भी छोटा ही है। देखो यहाँ ससुराल में रहते हैं तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है, वैसे तो हम तीनों ही मिलकर काम कर लेते थे, लेकिन वही है ना कि थोड़ा मायके में थोड़ा सा आराम मिल जाता है। खैर कोई नहीं, तो भाभी आ जाएंगी, कमेंट करके पूछ रहे थे मुझसे, इसलिए मैंने बता दिया कि हाँ भाभी अपने मायके ही गई हुई है अभी, तो वो आ जाएंगी कुछ टाइम में। और अभी तो फिलहाल मैं और मम्मी है तो हम दोनों मिल बांट के कर लेते हैं, कभी शाम का खाना मम्मी बना लेती है तो कभी मैं बना लेती हूँ, तो ऐसे ही मतलब सारे काम हमारे हो जाते हैं, क्योंकि देखो उनको भी तकलीफ़ है और मुझे भी तकलीफ़ है, तो इस चक्कर में जो है ना ऐसे ही करना पड़ रहा है। क्योंकि होरन की दो चोटियाँ जो मैंने बनाई थी इसकी ज़बरदस्ती वो मैंने खोल दी हैं, इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी ना माशाल्लाह से, मैंने कहा चलो यार निकाल देते हैं इसको वरना नज़र लग जाएंगी इसको, माँ बाप की नज़र पहले लगती है कहते हैं ना। क्या रखा हुआ है? अरे यहाँ तो दाल है, तो यहाँ पे मूंग की दाल रखी हुई है, तो मूंग की दाल के बनेंगे मंगोड़े, तो कल जो है मंगोड़े बनेंगे, तो इसलिए अभी गला ही नहीं दाल, दोपहर में बनेंगे या शाम को बनेंगे तो उस टाइम पे ही मतलब गला देंगे 1-1.5 घंटे पहले, क्योंकि दाल तो ये वाली बहुत जल्दी से हो जाती है मतलब। चलिए गाइस मैं यहाँ की लाइट बंद कर देती हूँ, बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली हैं और सोच रही हूँ इस ब्लॉग का एंड भी यहीं कर दूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज गाइस। अल्लाह हाफिज फ्रेंड, अल्लाह हाफिज कर दो, बाय कर दो, बाय करो, बाय। चलिए गाइस अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।